पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह ने कहा, भाजपा से बढ़कर आज के दिन कोई दूसरी पार्टी दलित हितैषी नहीं है। नमस्कार, अभी हम बात करने जा रहे हैं पूर्व सहकारिता मंत्री राणा रणधीर जी से। ये तीसरी बार विधायक इस बार बने हैं मधुबन विधानसभा से। हम इनसे जानेंगे, सर आज आपका कब चुनाव हुआ और सुशील मोदी को लगभग वॉक ओवर मिलने की बात है, कैसा लग रहा सर आपको? ये तो आज नामांकन हुआ माननीय सुशील मोदी जी ने तय किया है। सुशील मोदी जी बिहार के बड़े अनुभवी और कद्दावर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए गठबंधन के, और इस नाते हम लोगों के लिए खुशी का दिन है कि आज सुशील मोदी जी ने नामांकन किया है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कोई दूसरा नामांकन तो कल अंतिम तिथि है। मुझे नहीं लगता कि महागठबंधन से कोई उम्मीदवार आएंगे। महागठबंधन आरोप लगा रहा है कि दलित विरोधी मतलब कैंडिडेट दिया गया सुशील मोदी के, विरोध के नाम पर महागठबंधन के मित्रों को तो शुरू से आदत रही है, कुछ बोलते हैं कुछ भी कह सकते हैं, तो उनके कहने का तो कोई बहुत विशेष मतलब नहीं है। राज्यसभा का चुनाव तो बिल्कुल गणित के हिसाब से होता है। नहीं, उनका कहना था दलित नेता से सीट खाली हुई है तो कोई दलित को ही मतलब प्रत्याशी बनाना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो महादलित समाज, दलित समाज से बहुत मित्रों को प्रतिनिधि बनाया और लगातार बनाया, तो ये कहने के लिए उनको कुछ मिल जाता तो कहते हैं। सुशील मोदी जी इतने अनुभवी नेता हैं, उनके अनुभव का लाभ बिहार को मिला है और उनके अनुभव का लाभ दिल्ली को भी मिलेगा, राज्यसभा को भी उनके अनुभव का लाभ है। उनको मंत्री बनाने की काफ़ी चर्चा, सुशील मोदी जी को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। देखिए, ये तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो तय करता है, लेकिन निश्चित रूप से सुशील मोदी जी का जो अनुभव है उसका लाभ दिल्ली को, राज्यसभा को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो मतलब जोड़ी थी नीतीश और मोदी जी का, वो टूट गया। इसको ऐसे नहीं देखिए, लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी होती है पार्टी में और दल में, अलग अलग दायित्व होता है, और जिस तरह से सुशील मोदी जी का अनुभव है उसका लाभ हम सब लोगों को और यहाँ के नेताओं को भी मिलता रहे। तो ये थे राणा रणधीर मंत्री, और इनका कहना है कि जो सुशील मोदी जी का मतलब लाभ बिहार को मिलेगा, केंद्र में वो जाते हैं तो भी मतलब बिहार के लोग सदैव सोचते हैं और अच्छा करते हैं, तो ये मतलब उस सहकर्ता होता राणा रणधीर जी ने साफ शब्दों में कहा सुशील मोदी जी एक योग्य नेता है, उनको किसी भी ढंग का अगर हमारी ऊपर की मतलब शीर्ष मतलब की तरफ से मिलती है उसको संभालेंगे, केंद्र कहीं कोई शक की बात नहीं है। आप देखते रहिए प्रत्येक।